Hello everyone, hope you all are doing good and safe at your own place. So welcome back to my channel Beauty Tips. If you are new to my channel then don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon for more updates. So आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपना पहला मेकअप किट कैसे क्रिएट किया था. सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस किट को बनाने के लिए मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसके बारे में जानने के लिए, उसको थोड़ा सा सर्च करके बनाने में मुझे अराउंड एक या डेढ़ महीना लग गया था कम्प्लीटली. सो एक मेकअप किट बनाना फर्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं होता है क्योंकि आपको बहुत ही सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. फर्स्ट होता है कि आपका बजट फ्रेंडली होना चाहिए, आपके बजट के अंदर आना चाहिए सारे के सारे प्रोडक्ट्स. दूसरा होता है कि स्किन फ्रेंडली होना चाहिए, कहीं आप मतलब मेकअप प्रोडक्ट नॉर्मल ऐसे यूज़ कर लो एंड आपके स्किन में ब्रेकआउट्स हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा फिर ख़राब कर देगा स्किन को. थर्ड होता है कि लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए. सो ये बहुत ही सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने ये किट बनाया हुआ है. अगर आप मतलब फर्स्ट टाइम के लिए कोई किट बनाना चाहते हो एंड आप थोड़ा सा भी मेकअप करने में इंटरेस्ट रखते हो, मोस्ट ऑफ द लड़कियों को मतलब अच्छा लगता है मेकअप करना. सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो मेकअप करने में तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है. अगर आप कोई लड़का मेरा वीडियो देख रहा है सो दे कैन ऑल्सो गिफ्ट दिस प्रोडक्ट्स टू देयर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. ओके, सो मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको एक बेस क्रिएट करना पड़ता है जिसके ऊपर आपका मेकअप बहुत टाइम के लिए चिपका रहे. सो फॉर दिस बेस आई एम यूजिंग दिस कलर बार का फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर. सो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है. आपके फेस में बिल्कुल एक परत बना देता है, जो भी आपके थोड़े बहुत ओपन पोर्स वगैरह हो गए तो परत बना देता है. एंड ये जो मेकअप होता है ना, जो भी आप मेकअप करते हो, फाउंडेशन वगैरह जो भी आप बेस सेट करते हो, तो उसको लॉन्ग लास्टिंग के लिए चिपका रहने में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. अगर आप प्राइमर नहीं लेना चाहते हो तो आप नॉर्मली एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, लेकिन एलोवेरा जेल से अच्छा होता है प्राइमर. वो थोड़ा बहुत पोर्स को कवर करता है लेकिन ये बहुत ही अच्छे से कवर करता है, एक परत बना देता है. सो आप ये वाला भी ले सकते हो. जो भी प्रोडक्ट्स मैं बताने वाली हूँ सारे के सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो वहाँ से. सो प्राइमर लगाने के बाद आपको लगाना है फाउंडेशन. सो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दिस फिटमी फाउंडेशन. इसमें मेरा शेड है 115 आइवोरी. ये मैट पोरलेस फाउंडेशन, ये बहुत ही अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. मतलब लगाते हो ना फाउंडेशन से स्टिकी स्टिकी नहीं लगता है, पाउडरी पाउडरी नहीं लगता है और बहुत ही अच्छे से आपके स्किन में ब्लेंड हो जाता है. सो ब्लेंड से याद है मैं यूज़ करती हूँ ये वाला ब्लेंडर. ये है फैशन फैक्ट्री का ब्लेंडर मैं यूज़ करती हूँ. और भी मेरे पास एक है, वो है नायका का. सो किस दिन और एक वीडियो बनाऊँगी मेकअप वाला तो उसमें दिखाऊँगी. देन नेक्स्ट मूव ऑन टू दी कंसीलर. सो आफ्टर फाउंडेशन आपको यूज़ करना है कंसीलर. सो कंसीलर के लिए अगेन दिस फिटमी का कंसीलर. उस कंसीलर का शेड है 10 लाइट. इस सारे के सारे चीज़ का आपको तो मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, सो आप डायरेक्टली उसमें परचेज कर सकते हो. लेकिन आप जो फाउंडेशन या फिर कंसीलर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर लेने वाले हो तो आपको अपना शेड अच्छे से देख के चूज़ करना है. अगर आपने आपके शेड से ज़्यादा एक ऊपर या नीचे वाला ले लिया तो मेकअप थोड़ा ख़राब होने का चांसेस बढ़ जाता है. सो आपको अपने चेहरे का मतलब आपका जो बेस है, आपका कलर है फेस का, उसी हिसाब से आपको फाउंडेशन कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है. फाउंडेशन एंड कंसीलर के बाद आपको यूज़ करना है कॉम्पैक्ट पाउडर. सो कॉम्पैक्ट के लिए मेरे पास ऑप्शन है दिस मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर. अब जब भी अपने फेस में कोई सा भी लिक्विड प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड करते हो उसके बाद आपको उसको सेट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, नहीं तो केकी लगता है, मतलब बहुत ही पैची लगता है. सो सेट करना बहुत ज़रूरी है बाई यूजिंग द कॉम्पैक्ट पाउडर. एंड ये वाला जो फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर है, अगर आप नॉर्मली मतलब आपको मेकअप ज़्यादा करने की मन नहीं है लेकिन थोड़ा सा मेकअप करना है आपको फॉर द ऑफिस और फॉर द कॉलेज, सो आप नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हो. इसमें थोड़ा सा फाउंडेशन फिनिश रहता है जो कि बहुत ही अच्छे से फेस को फटाफट से एक रिफ्रेशिंग लुक देने में हेल्प करता है. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है आईब्रो. सो आईब्रो के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ दिस वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्रो किट. इस बिल्कुल पाउडरी फॉर्मेट में आता है एंड उसमें है मतलब उसमें दिया हुआ है ऑलरेडी एक ब्रश, आप यूज़ कर सकते हो लेकिन इसमें कोई स्पूली नहीं है. सो मैं अपना जो मेकअप ब्रश का सेट है उसमें से मैं लेके यूज़ करती हूँ. मैं दिखाने वाली हूँ कि पूरा का पूरा जो मेकअप ब्रश का सेट में से कि मैं कौन सा ब्रश सिर्फ यूज़ करती हूँ फॉर होल ऑफ द मेकअप. अगर आपको ये वाला मतलब ऐसे पाउडर फॉर्मेट में यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है, डर लगता है कि आप गड़बड़ कर दोगे, सो आप नॉर्मली भी ले सकते हो. मतलब जो स्टिक में आता है, पेंसिल वाला आता है, उसको भी आप लेके यूज़ कर सकते हो. ओके, सो पूरा का पूरा फेस मेकअप करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ दिस किट फ्रॉम दिस स्विस ब्यूटी. इसमें ब्लशर भी है, हाईलाइटर भी है, ब्रोंजर भी है. मैं ज़्यादा टाइम कॉन्टोरिंग नहीं करती क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी शार्प है. सो ये वाला जो किट है ये बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है एंड ये जो कलर्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है.
ऐसा नहीं है कि मतलब कम रेंज में मिल रहा है तो पिगमेंटेड नहीं है, बहुत ही अच्छा सा मतलब अच्छा पिगमेंट, अच्छा खासा पिगमेंट देता है। सो आप ये वाला ले सकते हो, लेकिन ये सारे के सारे शिमर शेड है। अगर आप आई शेडो में शिमर शेड मतलब आपको आई शेडो पैलेट में शिमर शेड चाहिए, सो आप ये वाला इसका जो शिमर है इसको भी आप आई शेडो में यूज कर सकते हो। ओके सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए मेरे पास ये स्टार्ट मेकर का किट, सो ऐसे मतलब ये 24 शेड्स अराउंड, हाँ ऐसे 24 शेड्स से बहुत ही सारे के सारे मतलब अच्छे अच्छे कलर से। इसमें आपको मैट भी मिलता है, इसको शिमर कलर भी मिलता है। सो ये वाला किट आपके जो रेंज के अंदर, अफोर्डेबल रेंज के अंदर, ये वाला किट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है एंड अच्छा खासा पिगमेंट भी देता है। ओके सो आई शेडो के बाद आपको अप्लाई करना है आई लाइनर। सो आई लाइनर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है लिक्विड लाइनर। सो लिक्विड लाइनर में मैं यूज़ करती हूँ लैक्मे का इंस्टा लाइनर, जो कि कॉस्ट फ्रेंडली एंड लॉन्ग लास्टिंग है। एंड और एक भी है लिक्विड लाइनर का, स्विस ब्यूटी का लाइनर। सो इस दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब इसका जो लगाने का जो एप्लीकेटर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड अच्छा सा विंग बनाने में हेल्पफुल रहता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ठीक है, विंग बिल्कुल जाता ही नहीं है इसमें अच्छे खासे से। सो ये बहुत ही, ये थोड़ा सा मतलब इससे लैक्मे से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, लेकिन ये वाला बहुत ही अच्छा है। सो अगेन ये वाला मेरे पास है पेन लाइनर एक, ये दिस इज़ फ्रॉम फैशन फैक्ट्री। अगर आपको लिक्विड लाइनर लगाने में मतलब आपका हाथ कांपता है, लगा नहीं पाते हो, तो आप ये वाला भी ले सकते हो, पेंसिल लाइनर बहुत ही अच्छा होता है। इसका निब बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, सो आप अच्छे से विंग क्रिएट कर सकते हो, नॉर्मली भी आप लाइनर इसे लगा सकते हो अच्छे से। ओके सो लाइनर के बाद आपको लगाना है मस्कारा। सो मस्कारा के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है स्विस ब्यूटी का एंड एक है मेबलिन का। ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। अगर मुझे कहीं फटाफट से जाना है एंड थोड़ा सा मेकअप करना है, तो मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। अगर कोई फेस्टिवल है या फिर कोई सा भी वेडिंग वगैरह जाना है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे लैसेस बहुत ही ज़्यादा थिन है, तो इसको थिक बनाने में हेल्प करता है। ओके फॉर द काजल आई हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज लैक्मे आइकोनिक काजल। ये बहुत ही अच्छा होता है, रेंज के हिसाब से देखा जाए तो आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो, आप कोई फेस्टिवल, कोई वेडिंग, कुछ में, सब कुछ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं ज़्यादा टाइम काजल यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। अगर आप बहुत ही मतलब आपको अच्छा लगता है काजल यूज़ करना, तो आप प्लम का भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, एंड सेरी कॉस्मेटिक्स पर भी काजल आता है, आप उसको भी ले सकते हो। ओके सो मूविंग ऑन टू द फाइनल पार्ट विच इज़ लिपस्टिक। सो लिपस्टिक्स के लिए मेरे पास कुछ थोड़े बहुत ऑप्शन है। सो ये ऑप्शन है, ये एक है स्विस ब्यूटी का, द शेड इज़ हॉट पिंक, आप ये वाला भी ले सकते हो। अगर आपको पिंक कलर बहुत ही अच्छा लगता है, न्यूड पिंक कलर, हॉट पिंक कलर अच्छा लगता है, तो आप ये वाला ले सकते हो। देन ये है हाफ एंड हाफ, ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, ये मैंने एक नॉर्मली कॉस्मेटिक स्टोर से लिया था। सो इसका कुछ शेड है 27 लेडी बग, तो ये नॉर्मली ऑफिस के लिए फिर कॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा होता है, न्यूड सा कलर है, ज़्यादा मतलब ऐसे डार्क नहीं लगेगा, मतलब ऐसे शार्प कलर नहीं है। सो ये वाला बहुत ही अच्छा है। एंड देन मेरे पास दो है नायका के, बिल्कुल सो मैट सो मिनी लिपस्टिक्स, एक है सेट नंबर 16 एंड सेट नंबर 17, ये इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके सो बेस मेकअप के लिए मैं यूज़ करती हूँ ब्लेंडर। सो डैम ब्लेंडर, मतलब इसको थोड़ा सा गीला करके यूज़ करती हूँ, शायद मैंने वीडियो में पहले ही बताया हुआ है लगता है मुझे, सो छोड़ो, और नहीं बताया होगा तो फिर से बता देती हूँ। ये है फैशन फैक्ट्री का और मेरे पास एक नायका का भी है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द मेकअप मैं यूज़ करती हूँ दिस ब्रशेस। सो ये वाला बिल्कुल जो फ्लफी ब्रश है, इसको मैं यूज़ करती हूँ पाउडर वगैरह सेट करने के लिए, कॉम्पैक्ट के लिए। एंड इसको मैं यूज़ करती हूँ, ये ब्रश को यूज़ करती हूँ ब्लश वगैरह लगाने के लिए। देन ये जो चार ब्रशेस है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी एंड सॉफ्ट ब्रशेस है, इसको मैं यूज़ करती हूँ अपना आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, आई शेडो को लगाने के लिए इसको यूज़ करती हूँ। सो ये, एंड मेरे पास जो आईब्रो का किट था उसमें स्पूली नहीं था, सो उसके लिए मैं ये वाला स्पूली यूज़ करती हूँ टू सेट माय आईब्रो पाउडर। ओके सो लास्टली, आपके जो सारे के सारे मेकअप होने के बाद आपको सेटिंग स्प्रे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा पाउडर प्रोडक्ट यूज़ किए होते हैं, सो उसको सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, नहीं तो फिर बिल्कुल पाउडर ही लगता है फेस। सो सेटिंग स्प्रे के लिए मेरे पास ऑप्शन है दिस वन फ्रॉम द फैशन फैक्ट्री, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली है एंड ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है टू सेट ऑल द मेकअप। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मेरे को हर प्रोडक्ट में देखना होता है, कि फ्रेग्रेंस, तो इसका खुशबू मतलब बहुत ही अच्छा है। अगर आप और भी इसी रेंज में देखना चाहते हो, सो आपको एक और भी मिल जाएगा, शायद स्विस ब्यूटी का आता है, हाँ स्विस ब्यूटी का आता है। सो वो वाला भी इसी रेंज में आता है एंड बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कॉस्ट फ्रेंडली भी है एंड ऑल्सो प्रोडक्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है टू सेट ऑल द मेकअप प्रोडक्ट। ओके तो सारा का सारा प्रोडक्ट को किट बनाने के लिए मैंने एक पाउच भी लिया था, सो दिस वन इज फ्रॉम मिनीसो। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब बहुत ज़्यादा मैट फिनिश ऐसा लगता है एंड ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली भी है
इसका भी लिंक अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक प्रॉपर किट बना सकते हो क्योंकि इसमें आपका सारा सारा प्रोडक्ट सेफ एंड सिक्योर होके रहता है। ओके, सो ये था मेरा आज का वीडियो ऑल अबाउट हाउ आई क्रिएट माई फर्स्ट मेकअप किट। सो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके पास ऑलरेडी कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है एंड आप वीडियो देखने के बाद कौन से प्रोडक्ट परचेज करने वाले हो। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल शेयर माई इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। हैप्पी नवरात्रि, बाय बाय।